हमारी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आफ्टरनून हो गया है और मैंने अपने व्लॉग का भी स्टार्ट किया है, तो काम में बिज़ी थी। तो मैं दिखाती हूँ क्या काम में हम बिज़ी थे, तो दिखाते हैं आपको। देखें कंजर्वेटरी की सारी हमने यहाँ से सफाई की है, ये गार्डन का हम सुबह से लगे ये कर रहे हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी हो गया है, बस ये लास्ट रह गया। और बस ये मेरी बेटी की ढोल की ब्राइडल शावर है, तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो बाकी जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैंने देखे काम को मैंने ड्रॉप किया है, मैं आपको बैक चीज़ दिखाती हूँ। फ्रंट बैक गार्डन को किया है मैंने, मेरे हस्बैंड ने, अभी मैं ये कर रही हूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इतना ख़राब नहीं था, लेकिन इसको मोटा मोटा साफ़ कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से सारी जो है छोटी छोटी सब चीज़ें साफ़ की हैं, यहाँ से साफ़ किया है, ये यहाँ से सारा मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि वो लाइट्स वगैरह वो डिस्टर्ब करती हैं इसको। यहाँ से मोटा मोटा मैंने सारा किया, ज़्यादा नहीं डीप किया, लेकिन बहुत थक गया इसलिए अब हिम्मत नहीं हो रही। और वैसे भी यहाँ गाड़ियाँ सारी आ जानी, नज़र भी नहीं आना। और स्कूल का पता नहीं है क्या है, पेरेंट्स का कुछ है, क्योंकि अभी ओपन नहीं हुए। तो ये है सूरत हाल, अभी थोड़ा सा रह गई, ये थोड़ा सा मैं कहती हूँ साफ़ कर लूँ बस इतना सा, अभी इसमें के लिए हिम्मत नहीं हो रही। तो मैं थोड़ा सा कुछ चलती हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लो, सैलड मैंने निकाला है खाने के लिए। और बस ये देखें मेरा हशर, अभी दो दिन, आज का दिन और कल का दिन, ये बहुत ज़्यादा काम है, बस हो जाएगा तो फिर उसके बाद आज का और कल का दिन है बस। ये देखिए सैलड में ले आई थी और बस अभी ला के रखा है, तो मैंने कहा मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, कुछ खा भी लूँगी और बस फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर शाम में मैं मशीन में थोड़े से कपड़े वो करूँगी, सिलाई करने, स्टिच करने, स्टिच मीन्स के रेडीमेड होते हैं ना, आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा मैं कितनी मैं टाइड हूँ, कितनी ज़्यादा मेरे बाल देखें। गार्डन बाहर धूप भी है, हवा भी है बहुत ज़्यादा बहुत, तो इसलिए थोड़ा कवर भी करना पड़ता, तो हवा से ऐसे बाल भी उड़ रहे हैं। तो स्टिच मीन्स के जो रेडीमेड स्लीव्स जहाँ लगाने पड़ते हैं, आप ज़्यादातर लोग स्लीवलेस पहनते हैं, तो वो इसलिए लगाते नहीं है किसी को जैसा भी पहनना है। तो मैं सैलड खा लूँ और फिर मैं बाहर जाके थोड़ा सा काम रह गया वो करती हूँ, और बाकी चीज़ें मैं फिर वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये ऑलमोस्ट डन हो गया है मेरा काम, और ये कर्टन भी बन गए हैं, कर्टन या दुपट्टे कह लें, माइयों पे हैंग करने के लिए। ये डिफरेंट कलर के हैं, जो थीम रखी है वाइट, लेमन येलो, और ये सारे, और ये जो ऑरेंज है, ये सब की रखी, इनके मैंने बना लिए हैं किनारे, तो जब डेकोरेट करेंगे तो फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये बस ये फाइनल बस हो गए, तो बस इनको मैं वाइंड अप करती हूँ। देखें सारे कपड़े जो मेरे हो गए, इसको मैंने सब ठिकानों पे लगा दिया है, और मशीन हटाती हूँ यहाँ से, क्लियर करती हूँ, और बाकी मेरा काम फिनिश हो गया है। बहुत मैंने यहाँ से क्लीनिंग की है, और डीप क्लीनिंग नहीं की, वो मैं फ्राइडे को करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ों को हटाना, टीवी हटाना, ये सारी चीज़ें हटानी है, यहाँ से भी टेबल चेयर हटानी है, टेबल साइड पे करना है, ये पूरा जो है इसको खुला करना है, और ये सारा यहाँ से ऑर्गेनाइज करना है। तो थोड़ा बहुत मैंने क्लीन किया है, जस्ट मैंने होवर किया है, और ये सारा एरिया किया, क्योंकि बेडरूम में तो नहीं इतना गंदगी नहीं जाती ना, तो ये एरिया ज़्यादा जहाँ आप काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा। ये देखें डाइनिंग टेबल मैंने खाली कर दिया है, ये मेरा शेल्फ इधर आ गया है, पहले उस कोने में था, और फ्रिज मैंने इस साइड पे दोनों लगा दिए। और ये देखें मेरे टैब थोड़ा खुला हुआ, ये देखें मेरा किचन का, ये सारा वैसे मैंने सारा वहाँ से साफ़ कर दिया है। ये बर्तन रह गए हैं, ये सारे बर्तन हैं मैंने वॉश करने हैं। और मैं अपना स्टोर रूम दिखाऊँ, और स्टोर रूम इसको आयरन स्टैंड मेरा ख्याल है मुझे साइड पे कहीं रखना है, और प्लीज सारा मुझे अभी गोश्त वगैरह निकालना है, चने भी निकालने हैं, सारी चीज़ें निकालनी है ताकि डिफ्रोज हो जाए अच्छे से। आयरन स्टैंड में तो रखती हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी। ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज की है, सारे मसाले तरतीब से रखे हैं, एक्स्ट्रा मसाले जो होते हैं पैकेट्स बड़े उनको साइड पर रखे हैं, और सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये एरिया भी, ये सारा एरिया, ये वॉश करना, ये भी लेके जाऊंगी, ये एरिया भी सारे मसालों वाला,
फालतू बर्तन जो होते हैं इधर रखते हैं स्टोर में, और इसमें से सारे मसालों के बड़े बड़े पैकेट्स थे वो निकाले, अभी वॉश करके रख दूँगी ये सारा एरिया। और ये मिर्चें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इसको मैं पेस्ट ऑयल में करके पेस्ट बना दूँगी। मसाले रखे हैं तो उसकी वजह से मुझे इतना एकदम से फ्लू हो गया है। यहाँ से थोड़ा सा कर दिया ताकि बाहर कर्टन कर दिया है, प्लास्टिक शीट जो गुजीबो का होता है एक साइड का, तो इसको ताकि बारिश इधर ना आए। अभी हूवर साइड पे रखा है, मैं बाद में इसको करूँगी। अभी तो फ़िलहाल यहाँ रखी हैं चेयर्स, ये बाहर ही जाएंगी। ये देखिए कितना अच्छा साफ़ कर दिया मेरे हस्बैंड ने, बल्कि हम दोनों ने मिलके किया है। वो ख़राब सोफ़ा था वहाँ से निकाल दिया है, और ग्रिल वगैरह सारी उस साइड पे कर चली गई है। यहाँ पे थोड़ा वेदर अच्छा हो तो कोई बैठ भी जाएगा, और वो सारी चेयर यहाँ पे ले आएंगे, आदमी सब बैठ जाएंगे, उनको बाहर बैठ के थोड़ा सा गपशप करते हैं। और सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी यहाँ से, ये वाली चेयर जो है डाइनिंग टेबल वाली ये यहाँ पे रखेंगे, कुछ लेडीज़ बैठ सकती हैं, आदमी बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है। ये इसको इसको भी टेबल को सेट करेंगे, और ये टेबल तो ज़ाहिर है ब्राइडल शावर के लिए करेंगे, इसको अच्छा से करेंगे। सारा मैंने यहाँ से एम्प्टी कर दिया है सारा एरिया, ताकि यहाँ को यहाँ से डेकोरेशन कर सके। तो चले मैं जल्दी से फटाफट बर्तन वॉश कर लूँ, फिर मैं चेंज करूँगी, क्योंकि सारे मसाले वाले कपड़ों में अजीब सही हो रहा है वो मुझे बार बार। हाँ, ये सबसे मेन काम मुझे ये किचन की विंडो और ये स्लाइडिंग जो है शीशा, ये मुझे साफ करना है। और सोच रही पहले बर्तन वॉश करूं या पहले करूं, तो मैं देखती हूं क्या कर सकती हूं। सारे बर्तन वॉश कर लिए मैंने, और ये ड्राई होने के लिए छोड़ दिए। अभी ड्राई हो जाएंगे, जब तक तो मैं अपना चेंज कर लूं जाके।